तो ओके गाइस, तो हमने सारा का सारा सेटअप कर दिया है और ये देख सकते हैं हमने दो दो कंप्यूटर को आमने सामने रख दिया है। दोनों का कंपटीशन होगा। इसमें है i5 का थर्ड जनरेशन 3570K और इसमें है i5 3570 विदाउट के वर्जन। ये देख सकते हैं थोड़ा सा मॉनिटर भी डिफरेंट है हम लोगों का। ये IPS डिस्प्ले है एसियर का और ये है TA पैनल वाला डिस्प्ले, जिसका प्राइस थोड़ा सा कम है तो इसलिए थोड़ा सा कलर डिफरेंस आ रहा है। तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो कलर डिफरेंस है कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा है। अभी फिलहाल हम लोग गेमिंग टेस्ट और बेंचमार्क टेस्ट करने वाले हैं i5-3570K और i5-3570K बीच में। हम लोग इसमें ब्लेंडर में कुछ सीन्स को रेंडर करेंगे और फ्री फायर को भी रन करके देखेंगे कितना FPS आता है और उसके बाद फिर हम लोग हेवन बेंचमार्क को भी चलाएंगे। हेवन बेंचमार्क में देखेंगे कितना FPS आता है 1080p में और बाकी सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसपे भी रैम है 16GB का और इसपे भी है 16GB का 8GB का दो स्टिक, तो दोनों में 16GB हम लोग इंसर्ट कर दिए हैं ताकि बराबर का कंपटीशन हो। तो चलाते हैं हेवन बेंचमार्क को और देखते हैं कितना FPS आता है 1080p लो सेटिंग पे रन कर रहे हैं। अगर इस पे हम लोग का 2 FPS भी आ गया तो फ्री फायर आराम से चलेगा। तो इसमें देख सकते हैं अबाउट 9 FPS 8 FPS का एवरेज दे रहा है इसपे विदाउट किए वाला वर्जन में, और किए वाला वर्जन तो 19 FPS दे रहा है। जबरदस्त 19-20 FPS आ रहा है एवरेज में और लोएस्ट में 14 FPS तक जा रहा है किए वाला वर्जन में, और यहाँ पे 10-11 FPS के आसपास आता है विदाउट किए वाला वर्जन में। तो यही देख सकते हैं, यही डिफरेंस है। उस पे एक जो इंडिकेटर GPU है वो थोड़ा सा बेटर है किए वाला वर्जन में। ओके, तो दूसरा बेंचमार्क स्टार्ट करते हैं हम लोग। ब्लेंडर में इस सीन को रेंडर करते हैं। दोनों जगह में एक क्यूब है, सेम डेटा का है, सेम शेडिंग इफेक्ट डाले हैं उसमें, कुछ नहीं किए, खाली शेडिंग किए हैं और रेंडर कर रहे हैं इसको। देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके, तो कंप्लीट हो चुका है। इस पे लगा है 53.77 seconds और इसमें लगा है 54 seconds लगा है उसमें के वाला वर्जन में और 53.77 seconds लगा है इसमें। इसमें तो यही चीज भी है CPU में, ये तो विन कर रहा है। ओके, अब देखते हैं फ्री फायर में कैसा परफॉर्म करता है। फ्री फायर में देख सकते हैं 40-50% दोनों में ही आ रहा है। के वाले वर्जन में तो और भी ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ये चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको स्पीड पकड़ने में। और इसी पे अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन करते हैं तो देख सकते हैं विदाउट के वाला वर्जन ऑलमोस्ट 25-30 FPS आ रहा है विदाउट के वाले वर्जन में, और के वाला वर्जन 10-15 FPS आ रहा है इस पे। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा,
ये फर्स्ट टाइम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है। आप जैसे जैसे यूज़ करते जाइएगा वैसे वैसे प्रोसेसर के कैश मेमोरी में ये सब लोकेशन लोड होता रहेगा तो फास्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं जब मैंने नेक्स्ट गेम खेला तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके भी 42 FPS आ रहा है, 42-45 FPS आ रहा है के वाले प्रोसेसर पे। तो यही रहा फ्री फायर, आप आराम से खेल सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं के वाले वर्जन पे स्मूथली। तो हमने कंपेयर कर लिया दोनों कंप्यूटर्स को, i5-3570K, i5-3570। इसमें हमने फ्री फायर भी टेस्ट कर लिया, डाविंची रिजॉल्व भी टेस्ट कर लिया, हमने उस पे बेंचमार्क जो चलाया था हेवन बेंचमार्क, तो उस पे अबाउट 1080p लो सेटिंग पे 19 FPS तक भी आ जा रहा था और इसमें 10 FPS के आसपास आ रहा था, तो अबाउट डबल ग्राफिक्स शो कर देता है। और उसके बाद हमने ब्लेंडर पे भी कुछ एक सीन को रेंडर किया था तो उस पे बराबर ही स्पीड आया था, इनफैक्ट इसमें 0.2 सेकंड्स का मिलीसेकंड्स का डिफरेंस नजर आया, जिसमें से ये वाला सीपीयू विदाउट के वर्जन वाला फास्ट था। और उसके बाद हमने फ्री फायर को भी टेस्ट किया था, तो फ्री फायर में स्टार्टिंग में ये वाला फास्ट था, फ्री फायर में अबाउट 40 FPS के आसपास, 40-50 FPS के आसपास दे रहा था विदाउट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके। और अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो दोनों में ही लेग करने स्टार्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी उस पे अबाउट 30 FPS के ऊपर आने लगा था। तो यही रहा कंपैरिजन बिटवीन i5-3570K और i5-3570K बीच में, दोनों ही लगभग लगभग बराबर हैं और दोनों में ही आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा अगर अच्छा से आपको एडिट करना है और गेमिंग करना है। तो मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग का भी ट्राई किया है, तो डाविंची रिजॉल्व में 720p 30 FPS पे आप थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप इफेक्ट उफेक्ट लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। ब्लेंडर में भी आप बिगिनर लेवल पे मॉडलिंग कर सकते हैं। सो दैट इज इट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और पीसी बिल्ड करने वाले हैं, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। और ये सब जो भी सॉफ्टवेयर्स है ब्लेंडर डाविंची रिजॉल्व, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन सब सॉफ्टवेयर्स में और कोडिंग में भी तो कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा बहुत उसका भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।